सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट एंड ऑल राउंडर स्मार्टफोन अंडर ₹25,000। सो अगर आपका बजट 20 से 25,000 का है और इस प्राइस रेंज में अपने लिए एक बेस्ट फोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस समय पर जो भी सबसे अच्छे स्मार्टफोन अवेलेबल है अंडर 25,000, उन सभी स्मार्टफोन को हमने इस लिस्ट में रखा है। वैसे तो इस समय पर 25,000 के नीचे काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, बट हमने उन्हीं स्मार्टफोन को रखा है जिनमें हमें प्राइस के अकॉर्डिंग काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि गाइस, फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इसी के साथ सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 7000 मिली एम्पीयर तक की बैटरी देखने को मिलेगी और 50 वॉट तक का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और इन सभी स्मार्टफोन में प्रो ग्रेड कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप फोटोग्राफी लवर है या फिर रील्स वीडियो वगैरह ज्यादा बनाते हो तो कैमरा सेटअप भी काफी कमाल का देखने को मिलेगा इन सभी स्मार्टफोन में। एंड ऑफ कोर्स गाइस, 5 में से 4 ऐसे स्मार्टफोन होंगे जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ ही देखने को मिलेगा। सो गाइस, इन सभी स्मार्टफोन में फीचर्स तो काफी तगड़े देखने को मिलेंगे क्योंकि हमने इस वीडियो के लिए काफी ज्यादा रिसर्च, रिव्यूज और एनालाइज किया है, तब जाके 5 ऐसे स्मार्टफोन सेलेक्ट किया है जो कि बेस्ट एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन है अंडर 25,000। तो वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें तो आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाए। और गाइज, मैं आपको बता दूं, इन सभी स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लेना। सो शुरू करते हैं दोस्तों नंबर 1 से, और नंबर 1 पर हमने रखा है OnePlus Nord CE 5G। अब ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 25,000। खैर जानते हैं कि OnePlus Nord CE 5G में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए दिया गया है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो मैक्रो फोटो के लिए दिया गया है। रियर कैमरे से 1080p में 30 और 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का पंचोल कैमरा देखने को मिल जाता है जिससे 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 और 60fps में, तो कैमरा वाइज काफ़ी अच्छा रहने वाला है क्योंकि OnePlus का जो हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होती है काफ़ी अमेजिंग होती है, तो इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले वाइज काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट दिया गया है जो कि एक 5G चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एड्रीनो 619 का GPU देखने को मिलता है, तो गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। 4500 मिली एम्पीयर की बैटरी दी गई है विद 30 वॉट रैप चार्जर। इस फोन की वेट की बात करें तो 170 ग्राम की वेट दी गई है। 3mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है जबकि लास्ट ईयर OnePlus Nord में नहीं देखने को मिला था। एंड्रॉयड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन ऑक्सीजन OS। बैक साइड में प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा लेकिन डिजाइन वगैरह काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए ₹22,999 पे करने होंगे, अराउंड 23,000 के आसपास ये फोन देखने को मिल जाएगा। कुछ बैंक ऑफर वगैरह ऑफकोर्स देखने को मिल जाएंगे, तो 1000 का इंस्टेंटली डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, तो 22 से 23,000 के आसपास OnePlus की तरफ से काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों नंबर 2 पर हमने रखा है मोटो S20 फ्यूजन को। अब ये फोन 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ है और मोटोरोला ने इस फोन में काफी तगड़े फीचर्स भर दिए हैं, तो चलिए जानते हैं कि मोटो S20 फ्यूजन में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है। शुरुआत करेंगे लुक्स और डिजाइन से, बिल्ड क्वालिटी से, तो इस बार आपको डिजाइन वगैरह काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इससे पहले हमें मोटो के फोन काफी थिक देखने को मिलते थे, मोटे होते थे, बट इस बार मोटोरोला ने काफी अच्छा डिजाइन दिया है, काफी स्लिम डिवाइस है। हालांकि 8.2mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, पॉली कार्बोनेट बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलेगी और उसी को तेजी से चार्ज करने के लिए 30 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अराउंड 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी, तो काफी कमाल की बात हो जाती है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Dimensity 800U का 5G चिपसेट देखने को मिलता है जिसकी अंततः स्कोर की बात करें तो 350,000 के अराउंड देखने को मिल जाती है।
है। हालांकि ये प्रोसेसर हमने ऑलरेडी काफी सारे स्मार्टफोन में देख लिया है, तो परफॉर्मेंस हम जानते हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और गाइज इस फोन में हमें 13 5G बैंड्स देखने को मिलता है, तो काफी कमाल की बात हो जाती है। तो अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ 5G फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसी के साथ इस फोन में हमें UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है, तो समझ सकते हो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहने वाला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, हालांकि एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, तो एक सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है। रियर कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ स्लो मोशन और बहुत सारे कैमरे फीचर दिए गए हैं, तो कैमरा वाइज काफी अच्छा रहने वाला ये फोन। बहुत सारे कैमरा फीचर देखने को मिल जाते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले काफी अमेजिंग देखने को मिलता है। 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। HDR 10 सर्टिफाइड है और 10-bit वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इस फोन का डिस्प्ले का कलर काफी वाइब्रेंट देखने को मिलेगा, काफी कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले दिया गया है। और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो स्मूथनेस वगैरह भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है और क्लीन सा UI देखने को मिलेगा, नियर स्टॉक एंड्रॉइड। 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब एंड्रॉइड 12 और एंड्रॉइड 13 भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि प्राइस कितनी है। तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 21,499 रुपए पे करने होंगे, लेकिन बैंक ऑफर वगैरह अप्लाई कर देते हो तो ये फोन आपको 20,000 के नीचे ही देखने को मिल जाएगा। तो 20,000 के नीचे इससे अच्छा डील देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, मोटो की तरफ से जरूर से चेकअप कर सकते हो। और दोस्तों नंबर 3 पर हमने रखा है ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G को। पता नहीं इस फोन का इतना बड़ा नाम कैसे है। खैर इस फोन में भी हमें काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये फोन भी एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है अंडर 25,000। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस फोन में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का जो डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है, काफी सॉलिड फील होगा। हालांकि प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी के साथ आता है। 8mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है, 173 ग्राम की वेट देखने को मिल जाती है। इट मीन्स ये फोन काफी लाइट वेट भी है, तो ओवरऑल इन हैंड फीलिंग काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, लेकिन 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन कलर OS 11.1। बैटरी के बारे में बात करें तो 4310mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन गाइस 50W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब काफी तेजी से बैटरी चार्ज कर पाएंगे। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो डायमेंसिटी 800U 5G का चिपसेट देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अंतत स्कोर के बारे में बात करें तो 3,50,000 के आसपास देखने को मिल जाती है, और UFS 2.0 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, तो काफी सही बात हो जाती है। क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए दिया गया है। और 2 और सेंसर देखने को मिल जाते हैं 2-2 मेगापिक्सल के, जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में पंच होल के साथ 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। रियर कैमरे से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 5G नेटवर्क के साथ आता है। प्राइस की बात करें तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 23,999 रुपए पे करने होंगे, अराउंड 24,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। एक प्रीमियम सी डिजाइन दी गई है। 800U का 5G चिपसेट देखने को मिल जाता है। ओप्पो की तरफ से क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, चेकआउट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये भी फोन बेस्ट है अंडर 25,000। और दोस्तों नंबर 4 पर हमने रखा एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन को, सैमसंग गैलेक्सी F62 को या फिर सैमसंग गैलेक्सी M51 को। दोनों में ही सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, बस प्रोसेसर थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। खैर मैं आपको बताने वाला हूँ गैलेक्सी F62 के बारे में। तो इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले हम जानते हैं सैमसंग की डिस्प्ले काफ़ी कमाल की होती है, लेकिन आपको इस फोन में किसी भी तरह का हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, 60Hz के साथ आता है। वहीं पर इस फोन की कैमरे की बात करें तो इस फोन में आपको कैमरा काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, क्वाड कैमरे सेटअप के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिससे लो लाइट फोटो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। वहीं पर सेकेंड कैमरा
कैमरा हमें 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड फोटो भी काफ़ी अच्छी ले पाएंगे। और थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि वोके इफेक्ट के लिए काम आता है। वहीं पर फोर्थ कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए काम आता है। और फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि इस फोन से आप बैक कैमरे और फ्रंट कैमरे दोनों से ही 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वहीं पर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स और देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सिंगल टेक, सुपर स्लो मोशन, तो और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही कैमरे में आपको 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो कैमरा वाइज भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और बैटरी भी इस फोन के अंदर बहुत बड़ी लगी हुई है, 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिल जाएगी। उसी को चार्ज करने के लिए आपको 25 वाट का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। 1.5 घंटे के आसपास ये फोन फुल चार्ज हो जाती है, तो काफी इंटरेस्टिंग सी बात हो जाती है। इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे। बाकी के जितने भी सेंसर्स हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और भी जितने भी सेंसर्स हैं, सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे। और बैक साइड में आपको ग्रेडियंट फिनिश देखने को मिल जाएगा, जो कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। और ये फोन 4G नेटवर्क के साथ आता है, वो भी ट्रिपल स्लॉट के साथ, तो 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर इस फोन की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस फोन में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। इस फोन के अंदर सैमसंग की तरफ से आने वाला फ्लैगशिप चिपसेट लगा हुआ है, एक्जीनोस 9825, जिसे आप कंपेयर कर सकते हो स्नैपड्रैगन 855 प्लस से। इस प्रोसेसर की अंतुतु स्कोर की बात करें तो 4 लाख के आसपास देखने को मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो इस फोन में आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 19,999 रुपये पे करने होंगे, अराउंड 20,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसे सेल वगैरह में परचेज करते हैं, तो ये फोन आपको 18,000 के आसपास ही देखने को मिल जाता है। बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। कैमरा सेटअप भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 7000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी गई है, ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज बन जाता है सैमसंग की तरफ से। और गाइस, लास्ट में हमने अब तक का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन को रखा है, तो नंबर 5 पर हमने रखा है रियलमी X7 मैक्स को। स्पेशली इस फोन में काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। खैर, जानते हैं कि रियलमी X7 मैक्स में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं कैमरा सेटअप से, तो बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर देखने को मिलता है, तो इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सेकेंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए आता है। और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि मैक्रो फोटो के लिए दिया गया है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। बैक कैमरे से 4K 30fps और 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी वाली। डायमेंसिटी 1200 का 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जिसकी अंतुतु स्कोर की बात करें तो 6.5 से 7 लाख के आसपास देखने को मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। 6 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बनी हुई है, तो परफॉर्मेंस में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। ड्यूल हाईरेस ऑडियो के साथ आता है, तो ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.43 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ में ही 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहने वाला है। अप टू 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, और 360 हर्ज तक का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। वेपर कूलिंग सिस्टम के साथ आता है, तो हीटिंग इशू कम देखने को मिलेगा। 4500 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाती है विद 50 वॉट फास्ट चार्जर। प्राइस की बात करें तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 24,999 रुपये पे करने होंगे, 25,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सेल वगैरह में परचेज करते हैं, तो 23,500 के आसपास ये फ़ोन हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको अभी चाहिए तो अभी परचेज कर सकते हो, या फिर आने वाले सेल के लिए वेट कर सकते हो। ओवरऑल काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और इस फोन को आप कह सकते हो फ्लैगशिप किलर। सो गाइज, यही थे कुछ बेस्ट एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 25,000। ये सारे फोन इस समय पर बेस्ट हैं, इनमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हो अपने यूजेस एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरे अकॉर्डिंग ये सारे फोन बेस्ट हैं अंडर 25,000। बाकी अगर मुझसे पूछते हो कि इन सब में से बेस्ट कौन है, तो मैं रियलमी X7 मैक्स को परचेज करना चाहूंगा। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए है, लिख सकते हो, जो मन में आए वो लिख सकते हो। और अभी भी कुछ डाउट है और इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।